गाइस, वेलकम बैक। आज मेरा लास्ट रिटन एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थी क्योंकि मैंने पढ़ना था। तो अब मेरा लास्ट रिटन एग्ज़ाम है, फिर बस दो वाइवाज रह जाएंगे। मैं तैयार हो गई हूँ, अब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगी हूँ। तो गाइस, अब मेरा आज लास्ट पेपर है रिटन। अब मैं आई हूँ अपनी दोस्त को लेने, इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी जाना है। और इस वक्त 12 बज रहे हैं, 1 बजे मेरा पेपर है। तो मैं अपनी दोस्त को पिक करने आई हूँ उसके घर से, वेटिंग फॉर हर। और मैंने अभी रिवीजन भी करनी है। खैर, इजी पेपर है, बिहेवियरल साइंसेस का पेपर है। तो कल मेरा वाइवा है, परसों भी मेरा वाइवा है। वो इसलिए क्योंकि हमारे वाइवा इमरान खान को जब गिरफ्तार कर लिया था तो हमारे वाइवा जो हैं वो पोस्टपोन हो गए थे, तो अब हो रहे हैं वो एंड पे, वरना आज मेरा आखिरी पेपर होता। और इसके बाद हमें समर ब्रेक भी होनी है आई थिंक, तो होपिंग फॉर द बेस्ट। और मेरी दोस्त आ गई है और हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं। और बहुत शदीद वाली गर्मी थी, बहुत शदीद वाली गर्मी। पेपर हमारा 5वें फ्लोर पे होता है। आखिरी पढ़ा। बस अब पहुंच गए आखिरी फ्लोर पे। पेपर होने वाला था और इधर सारे रिवीजन कर रहे थे। फाइनली मेरे रिटन एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मैं घर जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज़ गाइस। द नेक्स्ट डे सुपरवाइज्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस 1 वीवा। आज मेरा एससीबी 1 का वाइवा भी है और ऑस्पी भी है, तो देखते हैं क्या होता है। अनमोल को तंग करते हुए और इधर बैठ के हम रिवीजन कर रहे थे। गाइस, हमारी वाइवा और ऑस्पी हो गई है फाइनली। वाइवा और ऑस्पी हो गई है और इस सेमेस्टर में ना हमसे नहीं हुआ है ना, कभी भी नहीं। सुबह 8 बजे गए हुए और इस टाइम क्या हो रहा है, 11 बज रहे हैं और हमारा हो गया। और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा हो गया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा दिन हैं। अपनी बात करो, इसका हमेशा वही हमें बोल रही है, हमेशा इसका अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत ही अच्छा हुआ है। और दूसरी बात ये कि वो भी मेरी थोड़ी सी चीज़ थी, क्लास में कोमा के कंपोनेंट 3 है। लो जी, वो स्केल तो पूछ रहे दो स्केल, पता नहीं दूसरा स्केल कौन सा था, मुझे तो एक ही आता है, एक क्लास को कोमा, वही तो था ए बी पी यू, तो वो वही तो होता है क्लास को कोमा या बी पी। नहीं 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 नहीं, दो स्केल है ये। लो मुझे पता चला, उसे नहीं देने वाले तेरे पास नहीं। गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, इसलिए थोड़ा सा कूल डाउन करिए निलमा पे आप। गाइस, अब हम जा रहे हैं सारे लंच करने के लिए दोस्त, क्योंकि कल सब ने अपने अपने घर चले जाना है फॉरेन वाइवा के बाद, तो इसलिए हम आज जा रहे हैं। पास ही आए थे बर्गर लैब पे, आए हैं यहाँ पे, हमने ट्राई नहीं किया था पहले, तो इसलिए हम बर्गर लैब आए हैं। तो लेट्स गो। और हमारी किस्मत में सिर्फ सीढ़ियाँ चढ़ना ही लिखा हुआ है, तो सीढ़ियाँ ही चढ़ते जाओ। ये तो रुकी हुई, हम बंद तो नहीं हो गए यार। यार ये रुक गई है। लिफ्ट चल ही नहीं रही थी और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मेरी शक्ल देख आपको पता लग ही गया होगा। तो हमने कहा यार सीढ़ियाँ ही चढ़ लो, ये बेहतर है। ये लोग ऑर्डर देने गए हैं और हमें सुबह से सब ने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। और इधर मैं जा रही थी ईमान के लिए केक लेने, क्योंकि उसकी बर्थडे पेपर्स में थी तो हम कुछ कर नहीं सके थे, तो इसलिए सोचा केक ले लेते हैं। हमारे ईमान का केक लेने थे, कौन सा लेना चाहिए, चॉकलेट तो वो खाती नहीं है। केक ले लिया था उसके लिए, लोटस केक लिया था क्योंकि चॉकलेट वो नहीं खाती। और बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इधर आते ही मैं एसी के सामने खड़ी हो गई थी क्योंकि मैं बस ख़त्म होने वाली थी कहानी। ये
ओके सो फाइनली फूड इज़ हेयर और हम सब ने कुछ भी नहीं खाया हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया तो सारे बहुत बेचारे बहुत भूखे थे। हम इधर टेरेस पे पिक्चर्स वगैरह बनाने आए हुए हैं। उन्होंने राइटिंग भी नहीं करके दी थी क्योंकि उनके पास नहीं थी। खैर हैप्पी बर्थडे मान जफर, आई लव यू सो मच, हमेशा खुश रहो। मान जफर की बर्थडे नहीं है लेकिन हम उसके लिए वैसे केक लेके आए हैं और ये राइटिंग नहीं हो रही थी, वो उनके पास ख़त्म हो गई थी। कर दिया हुआ ये बकरा हलाल करने वाली छुड़ी है। आफ्टर वाइवा हमारा यही हाल था। बकरा लाल करने वाली छुड़ी है, इसमें लाल करने लगेंगे। आया अल्लाह और पाक को ना अपने पुराने दिन याद आ गए हैं, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे। फर्स्ट सेमेस्टर में आया तो बड़ी शरारत करता था ये, इसको जिस बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ उसको याद आ गया। नो ये मैंने ना अंके चक्कर वाले जाया करता था। बाबू हाँ, और फोर्थ फ्लोर से जाता था, 2 किलोमीटर चलते। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। समझ गई क्या कहना चाह रही है, खुश हो रही है मेरे लड्डू नहीं दिल में लड्डू फूट रहे हैं, गुलाब जामुन फूट रही है इसके दिल में, गुलाब जामुन और उसके दिल में पपीते। आज बिंगल लग रहे हैं, बोला था बाप देनदार है फैसल का। ये ना इसने कहाँ से प्रेस करवाया इसने, इसके कहाँ ना आ गया है बताए ना, आप कमेंट बताए कपड़े कहाँ से प्रेस करवाए, आपने कहाँ से करवाए, जहाँ आपने करवाए के दिए आपने करवा के दिए, आप बताए बेंगल लग रहा है वैसे लहदा बहुत है ये। फाद आपने मैचिंग पर्स पहना है आज, बाल इसने ना ऐसे तेल लगा के पानी वाला ना शैम्पू करके ऐसे चिपकाए हुए नीचे से, मुंह इसका इतना बड़ा लग रहा है, मैंने कहा पूरा प्यारा नहीं लग रहा था, ये ले नासर खान जान लग रहा था, मैंने कहा साथ पूरा नासर खान जान लग रहा है यार, वैसे तुम बड़ी थड़की हो। टिकटॉक्स बन रही हैं गाइस, टिकटॉक जान है तो क्या, जान थोड़ी दे देंगे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। फहद की बारी, अब फहद की बारी गाइस, चलो फहद और क्या बोल रहे हैं, मेरा भी जमीर है ऐसा थोड़ी होता है। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। मेरा भी जमीर है, बहुत उधर से आप इधर आए ना, चलो मेरा भी जमीर है ऐसा थोड़ी होता है। 1 2 3 गो, मेरा भी जमीर है ऐसा थोड़ी होता है। 2 3 गो, मेरा भी जमीर है ऐसा थोड़ी होता है। इधर हम टिकटॉक के एक ट्रेंडिंग वीडियो बनाने लगे थे। ओके
गाइस, इट वाज अ गुड डे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह 8 बजे के हम जलील हो रहे थे, पहले वे ऑस्पी थी, फिर वायवा था, उसके बाद हम तैयार हुए, उसके बाद हम चले गए लेक सिटी। तो वो फिर आपने सब देख लिया। अब मैं घर आ गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। द लास्ट डे इलेक्ट्रोथेरेपी वीवा। पहले बनानी थी आपको। देरी लाइवा। ओह माय गॉड, इतनी सारी। थैंक यू। तो गाइज, मैं घर वापस आ गई हूँ और फाइनली मेरे पेपर्स ख़त्म हो गए हैं। लाइबा ने हम सबको चॉकलेट्स दी हैं, जो आपने वीडियो में देखा है, तो वो सबके लिए लेके आई थी। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच लाइबा। और अब मैं घर वापस आ गई हूँ और पेपर मतलब वायवा था, वायवा अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अब उम्मीद है रिज़ल्ट भी ऐसे ही अच्छे आ जाए। वैसे मेरे एक सब्जेक्ट का रिज़ल्ट आ चुका है और वो मेरा बहुत अच्छा आया, और मुझे लगा नहीं था कि आ जाएगा इतना अच्छा, बट वो अच्छा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो उम्मीद है कि बाकी रिज़ल्ट भी मेरे अच्छे आ जाएँ। तो 3 हफ्ते तक मेरे पेपर्स चले हैं और इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव भी थी। तो अब मैं ट्राई करूँगी कि अब ना रहूँ। तो बाकी अब मैंने खैर सोना है और बाहर बारिश भी हो रही है, तो पहले मैं वो देखने जा रही थी। तो देखते हैं। इतना प्यारा मौसम हुआ है, बारिश हो रही है। काश पेपर्स के दौरान ऐसा मौसम होता, हम सुकून से तो जाते। तो खैर ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।